आज जयपुर के प्रसिद्ध कांवटिया हॉस्पिटल में जिस तरीके से एक महिला की खुले में प्रसव हॉस्पिटल की प्याऊ के बाहर फुटपाथ पर करनी पड़ी, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके लिए जिम्मेदार था अस्पताल प्रशासन और इस संवेदनहीनता के कारण कांवटिया हॉस्पिटल हमेशा के लिए बदनाम हो गया। उस बच्चे का क्या होगा जो कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण उसकी मजबूर माँ को उसे फुटपाथ पर जन्म देना पड़ा, वो भी उसी अस्पताल के बाहर प्याऊ के फुटपाथ पर। ऐसी संवेदनहीनता मानवता को शर्मसार कर देती है। उस बच्चे को जिंदगी भर फुटपाथ पर पैदा होने की त्रासदी झेलनी होगी। एक गरीब महिला को जिस तरीके से अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया, उसके पति के साथ में धक्का मुक्का की गई, उसको एम्बुलेंस नहीं दी गई, यह सारी बातें मानवता को शर्मसार करती है। आज साथियों सहित कांवटिया हॉस्पिटल जाकर उस महिला और उसके परिवार को ढांढस बनाया गया। भविष्य में निशुल्क चिकित्सा दी जाए, निशुल्क पढ़ाई कराई जाए, सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ऐसी घटना होना बहुत ही गलत है। जयपुर शहर के अंदर कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई किसी भी हॉस्पिटल में, लेकिन ऐसी घटना होती है तो हम सरकार से मांग करते हैं इसको उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि आगे ऐसी घटना नहीं हो, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी से और विधायक गोपाल जी से मांग करूंगा कि इस बच्चे के निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क चिकित्सा एवं अन्य खर्चे सभी सरकार उठाए। चिकित्सा के